हे गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा। तो कैसे मैंने बनाया, मैं आपको वो रेसिपी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया है और उसे कढ़ाई में भून लिया है, ठीक है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और दूसरी तरफ मैंने ये चाशनी वाला पानी चढ़ा दिया है। चीनी अपने हिसाब से आप डाल लेना, कितना मीठा आप खाते हैं कितना नहीं। मैंने तो ठीक ठीक डाली थी, बैलेंस, जिससे ज़्यादा मीठा ना हो कि सर में दर्द जाए। दूसरी तरफ मैंने वो आटा उतार दिया, फिर मैंने घी थोड़ा गर्म किया और उसमें जो भुना हुआ आटा था ना, अब ये वाला जो आटा है ना, इसे अच्छे से भूनना है, ब्राउन हो जाना चाहिए। एक खुशबू आती है कि हाँ, पता चलता है पड़ोस में भी कि हाँ भाई, कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बना रही है इनकी बहू। तो इसे अच्छे से भूनना है, चलाना है, हाथ में दर्द हो जाना है, इतनी अच्छी तरह से आपको चलाना है। देखो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब पानी डालते हैं ना तो बहुत सारा बन जाता है हलवा। और मैं अभी बता रही हूँ, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। तो बहुत टाइम बाद मैंने ये आटे वाला हलवा बनाया। और आटे का जो ये कड़ा प्रसाद बोलते हैं, मैंने सोचा थोड़ा मैं दिखा दूँ यहाँ पे, भाई मैं हलवा बना रही हूँ, तो थोड़ी सी मैंने अपनी वीडियो बना ली। तो फिर कड़ा प्रसाद गुरुद्वारा में मिलता है, मैं ये बोल रही थी। अब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, जो चाशनी वाला पानी था ना, जो मीठा पानी, वो यहाँ पे डाल दिया। और इसे चलाना है कॉन्टिन्यूसली, गांठे नहीं पड़नी चाहिए, गांठे पड़ती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसे अच्छे से चलाना है। इसमें ऊपर से आप एक दो चम्मच घी और डाल सकते हैं, मम्मी ने मना किया था इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा डाल दिया था कि कुछ चिकनापन दिखाई दे, तो थोड़ा ही डाला कि उन्हें पता नहीं चला। और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसलिए नहीं डाले, पता नहीं कहाँ रख दिए यार, मिल ही नहीं रहे। तो मैंने तो सिंपल हलवा बनाया, और आप भी ऐसे बनाना। अब मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी अब खाएंगी, आज मंडे हैं। तो कैसा लगा मेरा आटा बनाने का तरीका, आटे का हलवा बनाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट में बताना। मेरी वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हलवा अच्छा बना है तो आप भी ट्राई करना। थैंक यू।